आज हम बनाएंगे आलू चाट की बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी। आप इसे उपवास में भी बना के खा सकते हो और बिना उपवास में भी आप इसे ट्राई कर सकते हो। तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो इसे बनाने के लिए 500 ग्राम हमने उबला हुआ आलू लिया है। आलू को हमने पहले से छील लिया था और इसे कुकर में 2 सीटी आने के बाद उबाल लिया था। जब आलू हमारी ठंडी हो जाएगी तो हम इसके बड़े बड़े टुकड़ों में इसे काट देंगे। जब आलू ठंडी हो जाए आप इसे तब काटेंगे तो ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। तो हमने यहाँ पे अपनी सभी आलू को काट के तैयार कर लिया है। तो अब गैस पर हमने कढ़ाई रख दिया है और इसके अंदर आप डाल दीजिए 1 चम्मच घी डाल दीजिए। और अब हम इसमें 100 ग्राम मूँगफली डाल देंगे। मूँगफली इसमें काफ़ी स्वादिष्ट और टेस्टी लगता है तो आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। मूँगफली को हम यहाँ पर कुछ सेकंड हल्का सा गोल्डन कलर आने तक अच्छे से भून लेंगे। और मूँगफली का जब यहाँ पे हल्का सा कलर चेंज हो गया है, 2 से 3 सेकंड हो गया है इसे भूनते हुए, तो अब हम यहाँ पे इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हम इसे यहाँ पर रोस्ट नहीं करेंगे वरना ये ज़्यादा पक जाएगी। मूँगफली को हमने एक बोल में निकाल लिया है और सेम ही कढ़ाई में हम यहाँ पर फिर से डाल देंगे घी। आप घी पसंद करते हो तो घी ले सकते हो व्रत में। अगर आप रिफाइंड खाना पसंद करते हो तो आप रिफाइंड भी ले सकते हो। और जब घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा के पकते ही हम अपने उबले हुए आलू इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर ये जो आलू हमने डाला है इसे जीरा के साथ आप अच्छे से घी के साथ मिक्स कर लीजिए ताकि आलू के अंदर घी की अच्छी सी कोटिंग हो जाए। और बस यहाँ पे इसे हमने मिक्स कर लिया है। तो इसमें के बाद हम इसमें 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे और 8 से 10 हमने काली मिर्च लिया था जिसको हमने दरदरा कूट के डाला है। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अगर आप उपवास में खा रहे हो तो आप सेंधा नमक डाल सकते हो। अगर आप बिना उपवास के बना रहे हो तो रेगुलर आप यहाँ पर सादा नमक डाल सकते हो। तो हम यहाँ पे इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम आलू को 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से पका लेंगे। इससे आलू का हल्का सा कलर भी चेंज हो जाएगा और आलू के ऊपर एक ब्राउन सी लेयर आ जाएगी। 2 से 3 मिनट तक हमने आलू को धीमी आंच पर हल्के से भून लिया है। आलू का कलर यहाँ पे पहले से चेंज हो गया है तो इस स्टेज पे हम अपनी फ्राई की हुई मूँगफली ऐड करेंगे जो हमने पहले से फ्राई किया हुआ था। इसे डाल के आलू के साथ मिक्स कर दीजिए। मूँगफली को अच्छे से मिलाइए ताकि मूँगफली और आलू अच्छे से आपस में मिल जाए। इसके बाद हम गैस को बिल्कुल धीमा रखेंगे, एकदम लो कर दीजिए और इसे लो फ्लेम पे हम यहाँ पे इसे ढक के पकाएंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुका है और देखें आलू में यहाँ पे कितना बढ़िया सा कलर आ गया है। तो इसका भाप निकल जाने देते हैं, उसके बाद हम आलू को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आलू के अंदर इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और जो भी इसका भाप था वो निकल गया है। तो अब हम यहाँ पे आलू हमारी यहाँ पे अच्छे से पक गई हैं मूँगफली के साथ। तो लास्ट में हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और तुरंत ही गैस को बंद कर देंगे। अगर आप उपवास में बना रहे हो, हरा धनिया खाते हो तो धनिया आप ज़रूर ऐड करिएगा, वरना आप बिना धनिया के भी इसे बना सकते हो। अच्छे से इसे मिक्स करके गैस फ्लेम को बंद कर दीजिए। गर्मा गर्म यहाँ पे आलू चाट हमारे दोस्तों तैयार है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। सर्व करने के लिए हमने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है और ये काफ़ी देखने में टेस्टी लग रही है, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है और बहुत ही अच्छी खुशबू इसकी आ रही है। तो आप जब भी उपवास करें तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप इसे बिना उपवास में भी खाना चाहते हो तो भी आप बनाकर ट्राई कर सकते हो। आप इसे इस रेसिपी को बच्चों को बनाकर भी दे सकते हो और चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये आलू चाट की रेसिपी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।